इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर बाजार में भीड़ बढ़ रही है। वैसे तो आवाम सिर्फ पुलिस या जुर्माने के डर से ही मास्क पहन रही है। दिवाली को लेकर फूलों की बाजार भी काफी तेजी में रही। तकरीबन 2 टन से भी ज्यादा फूलों की खरीदो फरोख्त करने की इत्तला हासिल हुई है। तकरीबन 2 करोड़ की उलाढ़ाल भी हुई है। इस बार दिवाली के मद्देनजर ज्यादा मिकदार में पटाखों की आतिशबाजी भी नजर नहीं, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां ऐद की गई थी। इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर पटाखों की आतिशबाजी की गई। बेलगाम शहर को गोवा से काफी लोग खरीदने आते हैं, पर गोवा की गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोकने से आवाम काफी परेशान नजर आ रही थी। कई जगहों पर गोवा गाड़ियों से जुर्माना भी लिया गया। दिवाली की वजह से शेयर बाजार भी काफी तेजी में था। बाजार में किसी तरह की तरतीब न होने की वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल से आवाम दो चार हो रही। कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर जिला सरकारी अस्पताल में दिगर अमराज का इलाज मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। वाज रहे के शहर और अतराफ गांव तालुका के गरीब इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ही इनके लिए वाहिद जरिया होता। लिहाजा बरोज पीर से तमाम ओपीडी को फिर से खोल दिया जाएगा। पिछले 8 महीनों से भी जायद वक्फे के सिर्फ कोरोना पर ही इलाज किया जा रहा था, जिसमें गरीबों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। बीम्स के जिम्मेदार विनय दास्ती को अपने ऐलान के जरिए बताया कि आवाम की परेशानी के मद्देनजर और मर्ज कोरोना का खत्म होता असर के मद्देनजर दिगर अमराज के इलाज फिर से शुरू किए जाएंगे। फरवरी से इलाज न होने की वजह से आवाम का हाल बेहाल हो चुका था। निजी अस्पतालों से इलाज करवाना मुमकिन नहीं था। कई सामाजिक तंजीमों ने बार बार मुतालबा भी पेश किया था। लिहाजा इसी की दखल लेते हुए बेलगाम जिला सरकारी अस्पताल में दिगर अमराज पर इलाज शुरू किया जा रहा है। आज भी इंसानियत जिंदा है, इसका सबूत सामाजिक खिदमतगार जनाब अब्दुल खादर गीवाले और जावेद इन दोनों ने पेश किया। भले समाज में कुछ लोग नफरत बांटने का काम करते हो, पर कुछ लोग आज किसी धर्म भाषा और जात पात का तफरका न करते हुए इंसानियत का पैगाम देते हैं। मल्लिकार्जुन जन सेवा संघ, जहां पर अंजना लक्ष्मण पिसे उम्र 70 साल की बुजुर्ग खातून को अस्पताल में दाखिल किया गया, उसके बाद उसके अंतकाल हो गया, यानी कि मौत हो गई, तो उसे हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उसके तमाम आखिरी रसूमात को अंजाम दिए गए। इस खिदमत को माशरे के मुख्तलिफ तबकात में सराहा जा रहा है। खादर घीवाले अलिकरा सोसाइटी के सरगर्म कारकुन है। इससे पहले भी किसी धर्म तफरका न करते हुए कई बेसहारा लाशों को दफन दहन किया है। इनके इस खिदमत के लिए इन्हें सराहा जा रहा है। बहुत ही अहम समझी जाने वाली डीसीसी बैंक इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, जिसमें साबिक रुकम रमेश कत्ती 5वीं मरतबा बिना मुखालिफ यानी के बिन विरोध मुंतखब किए गए। बैंक के तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने की बात उन्होंने कही। जिले वजीर रमेश जारकीहोली और दिगर भाजपा लीडरों ने इन्हें एक तरफा मुंतखब किया। फेसबुक फ्रेंड्स तंजीम की जानिब से दिवाली के मौके पर गरीब जरूरतमंद आवाम को कपड़े जरूरत चीजों की तकसीम की गई। खासकर इस तंजीम ने बेलगाम बस अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, मुराद अली शाह दरगाह इहाता, फोर्ट रोड मस्जिद इहाता, शनि मंदिर के अतराफ, किला तालाब के अतराफ में रात को ढूंढ कर गरीबों में जरूरी चीजों की तकसीम की। कुछ गरीब लोग होते हैं जिन्हें ईद और त्योहार का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इन गरीबों को ढूंढ कर इनकी खुशियों में इजाफा करना और इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाना, यही असल ईद है, यही त्योहार है। कई तंजीमें काम तो कर रही है, पर जरूरतमंदों को रात के अंधेरे में तलाश कर इन तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। फेसबुक फ्रेंड्स तंजीम इसी तरह से ये ईद और त्योहार में किसी भी धर्म भाषा जात पात का हो वहां तक पहुंचती है जरूरतमंदों को, वो खाने की चीजें कपड़े उन्हें फराहम करती है। इनके इस काम पर इन्हें मुबारकबाद दी जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।